देखो यार, जब से हमारी सोसाइटी स्टार्ट हुई है, लोगों को हमेशा बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। लेकिन आज मेरे हिसाब से लोग तीन टाइप के होते हैं, और ये मेरी पर्सनल कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है आपको ये ठीक ना लगे, लेकिन यही सच है। अब मैं हूं आदित्य जोशी, और आइए देखते हैं तीन टाइप के लोग कौन से होते हैं। पहले होते हैं ड्रीमर्स। ड्रीमर्स वो होते हैं जो विजुअलाइज करते हैं, रियलिटी से दूर चले जाते हैं, अपनी फैंटेसीज में जीते हैं। ड्रीमर्स, देखो ड्रीमर आसपास होना बहुत जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि ड्रीमर बेकार होते हैं, रियलिटी को तो वो पकड़ते ही नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समवन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव एंड कीप्स यू बिलीविंग इन योरसेल्फ। ड्रीमर हमेशा बोलेगा कि यार ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, वो ड्रीम देख, वो बड़ा सपना देख, अपने गोल्स बढ़े कर, रियलिटी से दूर हट के अपनी फैंटेसीज और अपने डिजायर्स के पीछे जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी तेरे माइंड का एक खेल है, ड्रीमर ये कहता है। तो ड्रीमर होना जरूरी है। दूसरे टाइप का आदमी होता है हार्ड वर्कर। अब हार्ड वर्कर कैसी मेंटालिटी रखता है? वो एक टाइप की मेंटालिटी रखता है कि सर नीचे करके काम करते रहना है बस। ये गलत बात नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क टैलेंट को मात दे देता है जब टैलेंट काम नहीं करता। तो हार्ड वर्क वाला पर्सन भी आपको हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके वर्क एथिक को पुश करता रहेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। वो कहेगा यार तू काम क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क जरूरी है, इसलिए हार्ड वर्कर जरूरी है। तीसरा और आखिरी किस्म का आदमी होता है रियलिस्ट। अब रियलिस्ट ड्रीमर का उल्टा होता है। वो रियलिटी को समझ चुका है, वो ये समझ चुका है कि बड़े बड़े सपने ऐसे लोगों को नहीं देखने चाहिए जो कभी उसको हासिल ही ना कर पाए। रियलिटी को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो रियलिस्ट पर्सन जो होता है वो आपको लेवल हेडेड रखेगा। वो ये इंश्योर करता है कि आप अपने डिसीजंस डीपर थिंकिंग पे रखो और अपने एक्शंस को एक कॉन्सेप्ट और एक थिंकिंग से बैकअप करो। तो रियलिस्ट, हार्ड वर्कर और ड्रीमर तीन टाइप के आदमी होते हैं, और तीनों जरूरी होते हैं।